हेलो यशोदा फैमिली, आज हम हैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कर्नल डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर. सर के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है डिफेंस का एंड वी फील वेरी प्रिविलेज्ड कि हमारे पास सर हैं. आज जिस रीजन से हम इस डिस्कशन के लिए बैठे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में एक मैसेज स्प्रेड करते हैं सर, जिसमें हम हर चीज़ जो कि कैंसर से रिलेटेड है, उसके मिथ्स हैं, उसके बारे में कॉन्वर्सेशंस हैं, वो सारी करते हैं कि लोगों तक हर मैसेज पहुंचा पाएं. आज हमारा साथ बैठने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है सर कि जैसा कि जुलाई मंथ को हम बोन कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हर वो मिथ, हर वो कन्फ्यूजन जो एक आम इंसान के दिमाग में है, उसी के लिए. सो सबसे पहले जो भी इंसान कैंसर से पीड़ित है या जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है या जिनके आसपास भी कोई ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है, कैंसर एक चैप्टर है सर जिंदगी का, पूरी स्टोरी नहीं लिख सकता. तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि क्या क्योर्स हैं, क्या ट्रीटमेंट हैं, कब हमें डॉक्टर के पास आना चाहिए. सर सबसे पहले जैसा कि अभी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये देखा गया है कि कैंसर अपने आप में एक हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री लिटरली कैंसर कैपिटल बनने वाली है आगे आने वाले 15 से 20 सालों में, जो कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं स्टडीज की. सो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बोन कैंसर उसका कितना पार्ट है, क्या ये एक बहुत ही कॉमन कैंसर है और क्या है बोन कैंसर? सोनल, सबसे पहले बात तो आई मस्ट अप्रिशिएट, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैंसर एक चैप्टर है ज़िंदगी का, इट इज़ नॉट द होल लाइफ. और ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये चाहूँगा कि जो भी कैंसर के मरीज़ हैं इस बात को सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ समझिए इस बात को. देखिए, सुरंग है, आप सुरंग में घुसते हैं तो अंधेरा हो जाता है, सुरंग से बाहर निकलते हैं तो उजाला हो जाता है. जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही कैंसर के डायग्नोसिस के बाद, ट्रीटमेंट के बाद क्योर होता है. तो ये रात का सफ़र है, आप इसमें जुटे रहिए, स्ट्रेंथ से रहिए, मोटिवेटेड रहिए और आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी. दूसरी बात जो सोनल ने कही कि भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है और बहुत सी स्टडीज़ आई हैं. इनफैक्ट एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको ग्लोबल कैन कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई 2040 नियरली हर इंडियन फैमिली में एक कैंसर का मरीज़ होगा. और यही एक हमारी अपोलो की स्टडी ने भी बताया है कि इंडिया में पूरी दुनिया से कंपेयर में इंस्टेंस ऑफ कैंसर बढ़ता जा रहा है. अब बात आती है बोन कैंसर की. बोन कैंसर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत है. इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बच्चों को और यंग मेल्स को और यंग फीमेल्स को, यानी कम उम्र के नौजवान और बच्चों को इन्वॉल्व करता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो उनको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ता है. तो इसीलिए बोन कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है जिसका हमें पता होना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने आज इस टॉपिक का चयन किया. सर एक चीज़ और, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि ये ऐसा कैंसर है जो कम एज में होता है. जी हाँ. सर क्या है वो एज ब्रैकेट? एक्चुअली बोन कैंसर अलग अलग किस्म का होता है और जो सबसे कॉमन जो बोन कैंसर है वो बच्चों में होता है. एक्चुअली देखिए, बोन जो है एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो ग्रो करता है टिल 16 टू 18 ईयर्स ऑफ एज. तो इसीलिए जब वो ग्रो कर रहा होता है उस टाइम जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हड्डियों के, बोन्स के सेल्स होते हैं, वो म्यूटेट कर जाते हैं. तो वो ग्रोइंग फेज में जब बोन की ग्रोथ होती है उस टाइम पे इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. तो टीनेजर्स कचब 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उस एज में बहुत ज़्यादा ये बोन कैंसर होता है. एक वैरायटी है जो 40 साल के बाद भी आती है, लेकिन वो बहुत कम है. तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो होते हैं वो एडोलेसेंस और यंग मेल्स में, एडल्ट्स में पाए जाते हैं. और उसका कारण भी ये है क्योंकि वो ग्रोथ फेज है, तो जब तक बोन ग्रो कर रही है कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं. बोन कैंसर्स एक और टाइप भी होते हैं जो दूसरे कैंसर्स स्प्रेड करते हैं बोन्स में, उनको हम मेटास्टैटिक बोन कैंसर्स कहते हैं. और मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट के कैंसर, स्तन के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर. तो ये कैंसर्स पहले बोन्स में स्प्रेड करते हैं, उनकी एक लाइकलीनेस है वो इन बोन्स में पहले जाते हैं. सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो आगे है कि क्या वो ऐसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि सर एक बच्चा, आप जैसे की बात कर रहे हैं कम एज का कैंसर है, क्या वो ऐसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि वो बच्चा तो शायद बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. जी आपने बहुत अच्छा सोनल क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये एक कैरी होम मैसेज है. और मैं चाहूँगा कि देखिए, आपके बच्चे छोटे हैं, बच्चा आपको बता नहीं सकता कि उसको क्या तकलीफ है. मैक्सिमम बोलेगा कि दर्द है, या वो चल रहा है उसका पैर मुड़ जाता है, वो बताता यहाँ कुछ दर्द हो रहा है, आप देखेंगे आप कुछ नहीं लगेगा.
क्योंकि देखिए कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जब वो ग्रो करता है कैंसर तो वो इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, उसके स्वेलिंग आना, देखिए जो कॉमन होता है सबसे पहले दर्द उसके बाद स्वेलिंग, तो दर्द वो भी रात को, अगर किसी भी बच्चे को रात को दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए उसकी बॉडी में कैंसर बन रहा है। तो ये कैरी होम मैसेज इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब आप बच्चे को नहला रहे हैं आप बच्चे का पूरा जांच कीजिए, हर बच्चे का, हर माँ बाप माँ जब बच्चे को नहला रही है प्लीज़ उसका जांच कीजिएगा, क्योंकि बच्चा आपको नहीं बता सकता कि उसको क्या तकलीफ़ है। तो अगर आपको किसी भी हड्डी में थोड़ी सी भी स्वेलिंग लगती है तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए या हमारे पास आइए, हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे और हम अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं तो बोन कैंसर्स क्यूरेबल हैं अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकें। तो सिम्टम्स बहुत कम हैं, बच्चा शायद को बता भी ना पाए, दर्द और स्वेलिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो सर ये जब सिम्टम्स दिखें तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास उसी टाइम पेरेंट्स को जाना चाहिए कि इन जनरल वो एक डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि ये सर कहना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है कि आप सबसे पहले नहीं, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले वो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जो भी डॉक्टर होगा वो उनका एक्सरे करा देगा। राइट, अगर एक्सरे में कुछ निकलता है यस, उसके बाद फिर उसे हमें हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है यदि एक्सरे में कुछ नहीं निकलता तो उसका भी बेनिफिट है, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब है मन की शांति। माँ बाप जब नेगेटिव रिपोर्ट देखेंगे कि एक्सरे में कुछ नहीं है, कैंसर नहीं है, तो वो आराम से सो पाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव रिपोर्ट अगर होती है तो कैंसर डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बच्चे लोग क्या होते हैं कि दे डोंट गो टू अ एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो वो लोग देखते हैं हड्डी में कुछ है तो उसकी वो बायोप्सी कर देते हैं। देखिए हड्डी में अगर कुछ भी है तो उसकी बायोप्सी सिर्फ एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट या सर्जन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है या कैंसर स्पेशलिस्ट है वही सही तरीके से कर सकता है। अगर सपोज कीजिएगा हड्डी में कैंसर है और किसी ने सुई गलत लगा दी तो वो सुई के रास्ते से कैंसर स्प्रेड हो सकता है और उससे और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसलिए क्योंकि ये बच्चों को इन्वॉल्व होता है और हम सबको अपने बच्चे बहुत प्रिय हैं, हमें इसका डबल प्रिकॉशन लेना चाहिए। यदि एक्सरे में कुछ आता है तो इमिडिएटली एक कैंसर डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। आई थिंक सर आज के सेशन में बहुत सारे मेजर वो क्वेरीज हमने कवर की हैं, एक मिथ लोगों के दिमाग में हमेशा कैंसर के जेनेटिक के रूप में आता है। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब ये समझें कि इट इज नॉट अबाउट वन मंथ कि वो जुलाई है या अगस्त है या वो, ये डेडिकेशन कैंसर्स का फॉर मंथ हमने इसलिए किया है कि लोगों को तक अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए। बट एवरी डे व्हेन वी बिगिन आवर डे आई थिंक ऐसे वीडियोज जब आपके सामने आते हैं और आप उन्हें कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में स्प्रेड कीजिए ताकि हर उस इंसान तक दूर दूर तक गाँव में ये मैसेज पहुँच सके। और हम यहाँ पे यशोदा संजय नगर कैंसर इंस्टीट्यूट एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर में बैठे हैं जहाँ पे एंड टू एंड ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्रॉम डायग्नोसिस टिल योर ट्रीटमेंट एंड फर्दर फॉलोअप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू सोनल, वेरी नाइसली यू आस्क्ड द क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। थैंक यू सर। थैंक यू।